हरिओम, मेरा नाम स्नेहा वीरा दीक्षित है, हैदराबाद उपासना केंद्र। आज मैं मेरा अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2006 साल में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो उस दिन का ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। मैं बापू के पास में जस्ट आई थी। बापू कौन है मुझे ज्यादा पता नहीं था, बस अनिरुद्ध चालीसा मेरे पास में थी जो कि मुझे कहीं से मिली थी, तो मैं वो रोज पठन करती थी और मुझे बापू की तरफ बहुत लगाव था कि बापू बापू बापू, पता नहीं क्यों, पर अपने आप वो निकलता था, बापू करके लेते थे मुझसे। मैं अपनी एक सहेली के साथ में उस दिन मंदिर चली गई थी, नालासोपारा स्टेशन के पास में गणपति मंदिर में वहां गई थी और स्टेशन पे ट्रेन हार्डली कुछ 15 सेकंड के लिए रुकती है। वहां पे मैं देख रही थी कि ट्रेन काफी देर से रुकी हुई है, एक 6:30 बजे का टाइम था इवनिंग में। फिर मैं सोची ट्रेन क्यों नहीं जा रही है, तभी मंदिर से निकली और एक आदमी चिल्लाते हुए भागते हुए आया कि बॉम्ब स्फोट हुआ है। उस टाइम पे मुंबई में जैसे बॉम्ब स्फोट हुआ, 10 मिनट में हर जगह का लाइट टेलीफोन सब बंद हो चुका था। मेरे पापा अंधेरी से रोज अप डाउन करते थे, ऑफिस उनका अंधेरी में था, वो उसी टाइम से लोकल ट्रेन पकड़ते थे, पर उस दिन बापू की कृपा से उनको लेट हो गया 10 मिनट का। वो उसी ट्रेन में थे जिस ट्रेन में बॉम्ब स्फोट हुआ, लेकिन जिस डब्बे में फर्स्ट क्लास में वो चढ़ते थे उस डब्बे में बॉम्ब स्फोट हुआ, उनको लेट हुआ उस वजह से वो पीछे के डब्बे में चढ़े और फिर पता चला कि बॉम्ब स्फोट हुआ है। अब वो बापू की कृपा से वो उन्हें कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, कुछ लगा नहीं। फिर मैं मुझे टाइम पता था कि ये तो पापा के आने का टाइमिंग है, अब कांटेक्ट कैसे करूं, मेरे पास में उस टाइम फोन नहीं था, बस पीसीओ वहां चलते थे, 2 रुपए का कॉइन था, अब चाहिए था 1 रुपए का कॉइन। मैं बापू को बोली, बापू अभी कहां से मैं छुट्टे पैसे लेके आऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं वो पीसीओ पे गई तो वो आदमी ने बोला, मैडम फोन बंद हो गया है, चलेगा नहीं। मैंने मनी मन में बोला, बापू मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे बस मेरे पापा की आवाज सुना दो कि मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं है करके। वो 2 रुपए का कॉइन मैंने पीसीओ बॉक्स में डाला, उस पे से नंबर डायल किया, वो आदमी मुझे बोल रहा है, मैडम फोन बंद है, नहीं लगेगा। मैंने बापू को बोला, बापू प्लीज ये फोन मुझे लगा दो, और मैंने नंबर डायल किया। वो बंद फोन से मेरे पापा को फोन लगा और मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं आ रहा हूँ घर पे करके। तो ये मेरा सबसे बड़ा अनुभव है बापू की कृपा से। उस टाइम अगर 10 मिनट वो लेट हुआ, कभी हम बोलते हैं बापू मुझे लेट क्यों होता है, लेकिन वो लेट भी हमारे अच्छे के लिए होता है, इसलिए बापू कुछ चीजें हमें अपनी लाइफ में लेट भी देते हैं। उस दिन 10 मिनट लेट था, लेकिन वो 10 मिनट लेट मेरे बापू ने मेरे पापा की जान बचा दी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बापू की कृपा है, वो बंद टेलीफोन से मेरे पापा को फोन लग गया, ये सिर्फ और सिर्फ बापू जी ही कर सकते हैं, मेरे सदगुरु कर सकते हैं। हरिओम श्री राम अम्बद।